बिहोवा तहसील कैंपस उड़ा रहा है स्वच्छ भारत की धज्जियां। जहां तक की सरकार का पूरा तंत्र स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रहा है, वहीं पर बिहोवा तहसील के प्रांगण स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ा रहा है। पूरे प्रांगण में जंगली घास उगी हुई है और हर जगह गंदगी के ढेर साफ देखे जा सकते हैं, परंतु प्रशासन के किसी भी उच्च अधिकारी का इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया, जिस कारण तहसील के प्रांगण में ही जहरीले जीव जंतु आम देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तहसील के मेन इमारत की दीवारों के साथ नंगी तारों का जाल बिछा हुआ है, जो कि किसी भी अनहोनी को दावत दे रहा है। नई बने वकीलों के चैम्बर की बाहरी खिड़कियों के साथ जंगली घास की झाड़ियां हैं, जिसकी तरफ भी प्रशासनिक उच्च अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। पूरी तहसील में पार्किंग का कोई भी विशेष प्रबंध नहीं है, जिस कारण लोग अपने वाहन इधर उधर खड़े कर देते हैं, इसलिए आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां तक कि आवारा पशु भी तहसील के प्रांगण में अक्सर घुस आते हैं। जब इस समस्या को लेकर पिहोवा के SDM डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पिहोवा में नया हूं और मेरी पोस्टिंग कुछ दिन पहले ही हुई है, परंतु अब मैं इसकी तरफ ध्यान देता हुआ पूरी सफाई करवाऊंगा और स्वच्छ भारत के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखना यह है कि तहसील प्रांगण की सफाई होती है या नहीं, कि इस बार भी प्रशासन कोरे वादे ही रहेंगे।